आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भले ही इंसानों के काम को कई गुना आसान बना रहा है, लेकिन इसका एक विपरीत असर भी लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगले 5 सालों में AI लाखों लोगों की नौकरी खा चुका होगा। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का दावा किया गया है कि बड़ी टेक कंपनियां अपने वर्कफोर्स को 41% तक घटा देगी और उसकी जगह AI से काम लिया जाएगा, और ये सब अगले 5 सालों के अंदर हो भी चुका होगा। स्टाफिंग फर्म अडेको ग्रुप की ओर से एक सर्वे किया गया है कि जो कहता है कि ऑटोमेशन यानी खुद से काम करने की एक बड़ी लहर आ रही है। दुनिया भर में बड़ी कंपनियां अगले 5 सालों में अपने कर्मचारियों को बड़ी संख्या में हटाने जा रही है। AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ये एक ऐसी तकनीक है जो रियलिस्टिक टेक्स्ट इमेज और वीडियो क्रिएट कर सकती है। बहुत से लोगों के लिए ये बार बार दोहराए जाने वाले रोजमर्रा के काम से निजात पाने का एक साधन बन चुका है, जबकि बहुत से लोगों के लिए ये नौकरियों पर मंडराने वाला बड़ा खतरा बन चुका है। अडेको के CEO डेनिस मैक्यूल ने रियोटर्स को दिए गए एक बयान में कहा है कि AI का प्रभाव लगभग सभी तरह की नौकरियों पर पड़ने वाला है, चाहे ये डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। AI एक जॉब क्रिएटर भी है और जॉब किलर भी। उन्होंने आगे कहा कि लगभग एक दशक पहले लोगों को ऐसा ही एक डर डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से सता रहा था, लेकिन डिजिटल ने बहुत सारी जॉब बनाई भी थी। उनका मानना है कि AI के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगर नौकरियां जाएंगी तो नौकरियां पैदा भी होंगी, लेकिन एक बैलेंस बना रहेगा। सर्वे में 9 देशों के कर्मचारियों को शामिल किया गया। ये कर्मचारी 18 तरह की इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। इनमें व्हाइट कॉलर के साथ ही ब्लू कॉलर जॉब वाले कर्मचारी भी शामिल थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इससे पहले एक पोल कंडक्ट किया था, जिसमें आधी कंपनियों ने कहा था कि AI के आने से नई जॉब पैदा होंगी, जबकि आधी कंपनियों ने जॉब जाने की बात कही थी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कई टेक दिग्गजों ने अपने चैट बॉट लॉन्च कर दिए हैं, जो कि रातों रात पॉपुलर भी हो चुके हैं और यूजर्स धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ टेक कंपनियां ही नहीं, अब नॉन टेक फर्म भी AI लाकर कर्मचारियों को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है, जिनमें ड्रॉपबॉक्स और ड्यूलिंगो का नाम भी आता है। गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जनरेटिव AI ग्लोबल लेवल पर 300 मिलियन नौकरियों को खत्म कर सकता है या महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसमें व्हाइट कॉलर वर्कर सबसे अधिक असुरक्षित होंगे। अडेको सर्वे से पता चला है कि ये भविष्यवाणी अगले 5 वर्षों में रियलिटी बन सकती है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।